हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवांश है और आप देख रहे हैं ऑटो पास इन्फो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मैनुअल ट्रांसमिशन के बारे में। इसके बारे में आज हम देखेंगे। हमारा मैनुअल ट्रांसमिशन तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है स्लाइडिंग मैस ट्रांसमिशन सिस्टम, और दूसरा होता है कॉन्स्टेंट मैस ट्रांसमिशन सिस्टम, और तीसरा होता है सिंक्रोनस मैस ट्रांसमिशन सिस्टम। और इन तीनों की मैं फ़ोटो लगा दूंगा इसमें, और आप एक एक करके तीनों की फ़ोटो आप देख सकते हैं, और मैं इसको समझा भी दूंगा कैसे क्या है, और वीडियो पॉज करके आप उनकी फ़ोटो को देख सकते हैं और उसका जो भी मैकेनिज़्म है उसको आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ सबसे पहले स्लाइडिंग मैस ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में। तो स्लाइडिंग मैस ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में क्या है, ये आप जो गियर देख रहे हैं, ये गियर ऊपर के किसी भी नीचे के गियर से मैस नहीं रहता है। स्लाइडिंग मैस में क्या करना पड़ता है, हमें स्लाइड करके इन गियर से मिलाना पड़ता है। स्लाइडिंग मैस में मतलब मान लीजिए गियर यहाँ पे, इसमें मैस नहीं रहेगा, इधर रहेगा। जब पहला गियर लगाना होगा तो हमें इस पोजीशन में लाना होगा इस गियर को, दूसरा गियर लगाना होगा तो उसको इस पोजीशन में लाना होगा, तीसरा गियर लगाना होगा तो उसको इस पोजीशन में लाना होगा। तो मतलब इसको स्लाइड करके मैस कराते हैं। अब कॉन्स्टेंट मैस के बारे में आज हम देखेंगे। तो इसमें आपको देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है, गियर सिलेक्टर है, ये हमारा गियर लीवर होता है लोहे की या फिर अब वायर वाला फिटमेंट यूज़ होने लगा है। पहले क्या होती थी, एक रॉड यूज़ होती थी, और इसको बोलते हैं कॉलर, और ये जो टीथ होते हैं इसको बोलते हैं गियर डॉग टीथ, और ये जो शाफ्ट है मेन शाफ्ट, इसे मेन शाफ्ट भी बोला जाता है या फिर ले शाफ्ट बोला जाता है या फिर काउंटर शाफ्ट के नाम से जाना जाता है इसे। और ये जो हमारा है ये आउटपुट शाफ्ट है, इसी से हमारे जो पावर होगी वो टायर तक पहुंचेगी बाय द हेल्प ऑफ हमारा गियर डिफरेंशियल। हमारे हर गियर बॉक्स में डिफरेंशियल का यूज़ होता है, डिफरेंशियल की मदद से ही हमारी जो पावर होती है उसकी टॉर्क वो हमारे टायर तक पहुंचती है। अब इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं गाड़ी में क्या क्या होता है। पहला इंजन हो गया, इंजन से जो अटैच होता है वो फ्लाईव्हील होती है, फ्लाईव्हील उसकी पावर को ट्रांसफ़र करती है। फ्लाईव्हील के पास हमारा क्लच प्लेट लगा रहेगा, क्लच प्लेट से एक क्लच प्लेट पे ही एक हमारी शाफ्ट आती है, अटैच होती है, वही शाफ्ट ये है, और यहाँ पे ये गियर लगा हुआ है, और ये गियर हमारा, ये हमारी मेन शाफ्ट से लगी हुई है। और क्लच का काम हमारा होता है इंजन की पावर को, इंजन को और ट्रांसमिशन सिस्टम को इंगेज और डिसइंगेज करने के काम में आता है हमारा क्लच सिस्टम। जब हम क्लच पैडल दबाते हैं तो ये हमारा फ्री हो जाता है, और इसकी अगर ये कोई मान लीजिए 100 की स्पीड से घूम रहा है, तो अगर हम किसी भी चीज़ को गाड़ी जैसे चला रहे हैं, गाड़ी को एक्सेलेटर देना बंद कर दें और क्लच दबा लें, तो वो धीरे धीरे स्पीड उसकी डाउन होती है। तो वैसे इसके साथ है, जब हम क्लच पैडल दबा लेते हैं तो इसकी स्पीड ये धीरे धीरे ये डाउन होने लगती है, जिसके कारण से इसकी स्पीड डाउन होगी तो इसकी स्पीड भी डाउन होगी, ये सारों की स्पीड डाउन होगी। तो क्लच का सिस्टम भी हमको समझ आ गया। अब क्या है, एक चीज़ और ये जान लीजिए, ये जब घूमता है तो ये सारे के सारे इसमें फिक्स हैं, इस शाफ्ट में 1 2 3 4 5 6 ये गियर, 7 गियर फिक्स है, और ये सारे हर टाइम घूमते रहते हैं। जब भी क्लच हमारा इंगेज रहेगा, जब भी हमारा क्लच इंगेज रहेगा तब ये सारे गियर घूमते रहेंगे, और इन गियरों से अटैच रहेगा ये, तो ये भी फ्रीली घूमते गए। जब ये गियर घूमेगा तो ये शाफ्ट घूमेगी, लेकिन जब ये गियर घूमेगा तब ये शाफ्ट नहीं घूमेगी। कैसे नहीं घूमेगी, जैसे कि आप ये मुझे, ये हमारा है ये शाफ्ट और इसके ऊपर है ये गियर, और जब तक ये गियर लॉक नहीं है तो ये ऐसे से ही घूमता रहेगा, ये ऐसे से घूमता रहेगा, और जैसे ही ये लॉक हुआ, ये लॉक हो गया, खट्टे से आवाज़ आई ना, जैसे ही लॉक हुआ, अब जैसे ये घूमे, ये गियर घूमेगा, गियर घूमना चालू करेगा तो ये शाफ्ट भी घूमने लगेगी। देख सकते हैं ये शाफ्ट भी घूमने लगी। अभी तक क्या था, अभी तक हम क्या था, ऐसे से ये गियर घूम रहा है, गियर ऐसे से घूम रहा है, लेकिन ये शाफ्ट नहीं घूम रही क्योंकि अटैच नहीं है। जैसे ही अटैच हुई अब ये घूमने लगी। तो ऐसे ही इसके साथ है, ये शाफ्ट के में है, लगी हुई है, लेकिन अटैच नहीं, अभी लॉक नहीं है, इसी कारण से ये पावर हमारी अभी आउटपुट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। तो
तो जब जैसे हम देखते हैं गाड़ी, जब गाड़ी खड़ी रहती है न्यूट्रल पे खड़ी रहती है, तो न्यूट्रल पे भी ये गियर घूमेगा, ये रोटेट करेगा। जब रोटेट करेगा लेकिन हमारी गाड़ी आगे नहीं चलती क्योंकि इंगेज नहीं है। तो अब मैं आपको बता दूँ सबसे बेसिक चीज़, पहला गियर कैसे लगता है। पहला गियर लगाने के हमने क्या किया, क्लच दबाया, क्लच दबाया तो इसकी स्पीड बंद धीमी हो गई, या फिर उसकी स्पीड बहुत स्पीड में ही ये डाउन होती इसकी स्पीड। क्लच दबाया, इसकी स्पीड बहुत कम हो गई, उसके बाद ये रोटेट करना कम हो गया, बंद हो गया, इसकी रोटेशन की स्पीड कम हो गई, इसकी रोटेशन की स्पीड हुई कम, इसकी रोटेशन की स्पीड हो गई कम। जब इसकी रोटेशन की स्पीड कम हो गई तो ये क्या है, इसमें ये टीथ है। अगर हम किसी भी चीज़ में, जैसे ये पंखा मान लीजिए घूम रहा है ठीक है, कोई भी चीज़ घूम रहा है, अगर उसमें हमें ये अटैच करना है, मान लीजिए ये ही हाथ है, उसमें मुझे ये उंगली अटैच करनी है, ठीक है। अगर ये ऐसे ऐसे घूमता रहेगा लगातार स्पीड में, बहुत स्पीड में घूमता रहेगा, तो मुझे ऐसे फंसाने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर इसकी स्पीड ही धीमी है और फिर मैं अटैच ऐसे करना चाहूँ, तो ये देख सकते हैं ये आराम से ये फिक्स हो गया। अगर बहुत स्पीड में रहेगा तो मैं ऐसे घूम जाएगा ये, और मैं फिक्स ही नहीं कर पाऊँगा, फिक्स करने में दिक्कत होगी, फिक्स होगी लेकिन दिक्कत होगी। इसमें क्या होगा, अटकेगा बार बार एक दूसरे के टीथ पे ही लड़ेगी, या फिर नॉइस की दिक्कत होगी। तो मतलब इसमें क्या होता है, मेटेलिक पार्ट अटैच होने में नॉइस करती है, और इसमें इंगेज करने में भी प्रॉब्लम होती है गियर को हाई स्पीड में। तो पहला गियर हमने क्या किया, इसको स्लाइड किया और ये इससे अटैच हो गया। कॉलर जो थी हमारी, ये कॉलर आगे की ओर आई और ये जो टीथ है, डॉग टीथ, इसके बीच में फंस गए। अब इसके बीच में फंस गए तो मान लीजिए 100 के आरपीएम से ये घूम रहा है, तो 100 के आरपीएम से ये भी घूमेगा। अब ये 100 के आरपीएम से घूम रहा है, अब इसका टीथ कम है, ठीक है, और इसकी टीथ ज़्यादा है, तो इसका आरपीएम मान लीजिए 100 का है, मतलब ये 10 टर्न कर रहा है तब ये जाके एक टर्न ले रहा है। तो मतलब इसकी 10 टर्न में ये सिर्फ एक टर्न घूम पा रहा है, तब क्या होगा, इस पर हमारे स्पीड कम मिलेगी लेकिन इस पर टॉर्क ज़्यादा मिलेगा। अभी मैं गियर रेशियो के बारे में भी डाल दूँगा, इसमें आपको फोटो अटैच कर दूँगा, तो आप उस फार्मूला को देख सकते हैं, आप पुश करके तो उस फार्मूला को भी आप देख लेंगे कैसे क्या होता है गियर का। तो टर्निंग का है गियर रेशियो, यही होता है कि जितना कम छोटा गियर रहेगा और इधर साइड जितना बड़ा गियर रहेगा, तो उसमें आपको टॉर्क ज़्यादा मिलेगा और स्पीड कम मिलेगी। तो इस जगह पर पहले गियर पे हमें क्या ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा टॉर्क की, तो हमें इस पोजीशन में सबसे ज़्यादा टॉर्क मिलेगा, स्पीड कम मिलेगी। जैसे हम दूसरा गियर लगाएंगे तो देख सकते हैं दूसरा गियर पहले गियर के कंपैरिजन में छोटा है, और इसमें हमें इससे ज़्यादा स्पीड मिलेगी और इससे कम टॉर्क मिलेगा। पाँचवें गियर पे हमें फिर, अब जैसे तीसरा गियर हो गया, अब जैसे जैसे हम गियर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमें स्पीड ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि गियर रेशियो जो होगा, यहाँ का बड़ा होगा इधर का छोटा होगा, मतलब ये एक टर्न घूमेगा और ये दो टर्न घूम गया। जब दो टर्न घूम गया तो इसकी स्पीड दुगनी हो गई, इसकी स्पीड दुगनी हो गई। तो इसमें क्या होगा, हमें गाड़ी की स्पीड मिलेगी। जब भी हमको स्पीड चाहिए रहता है उसमें हम गियर बढ़ाते जाते हैं, जैसे 5 गियर हो गई, 6 गियर की गाड़ी आने लगी तो 6वां गियर लगाते हैं। तो गियर रेशियो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे पहला गियर का रेशियो सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे देखें गियर रेशियो सबसे कम है। तो यहाँ पे इसका, इसके में टीथ ज़्यादा घूमेंगे, इसके टीथ कम घूमेंगे, इसका छोटा गियर रहेगा। तो पांचवे गियर पे हमें सबसे ज़्यादा स्पीड मिलती है और सबसे कम टॉर्क मिलता है। पहले गियर में सबसे ज़्यादा टॉर्क मिलता है, सबसे कम स्पीड मिलती है। ये हो गया कॉन्स्टेंट मेट्स में। अब रिवर्स गियर के बारे में बात कर ले, तो रिवर्स गियर की डायरेक्शन, मतलब ये सेम, ये क्लॉक वाइज घूम रहा है, इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है। क्लॉक वाइज में मतलब गाड़ी आगे की ओर जा रही है, एंटी क्लॉक वाइज में घुमाना मतलब गाड़ी पीछे की ओर जाएगी। तो इसको इसकी डायरेक्शन बदलने के लिए हमें एक एडिशनल गियर लगाना पड़ता है, इसे बोलते हैं एडल गियर। और एडल गियर यूज़ करने से ही हमारी इसकी डायरेक्शन बदलेगी, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर पहला गियर हमारा क्लॉक वाइज घूम रहा है तो दूसरा गियर हमारा एंटी क्लॉक वाइज घूमेगा। उसके बाद अगर फिर तीसरा गियर लगाएंगे इसकी मदद से, जैसे ये एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है तो ये वाला भी क्लॉक वाइज घूमेगा। तो इसकी मदद से क्या हुआ, पहले ये डायरेक्शन चेंज थी, अब इसकी डायरेक्शन हमें सेम डायरेक्शन में लगा दिया और इससे हमारा रिवर्स गियर यहाँ पे
मिल गया। अगर इसमें ये गियर नहीं लगाते तो हमारी गाड़ी रिवर्स नहीं होती, हमारी गाड़ी इसमें आगे ही बढ़ती। अब कांस्टेंट मैश में कुछ प्रॉब्लम थी जिसको रिजॉल्व करने के लिए हमें सिंक्रोनस मैश गियरबॉक्स का यूज़ किया गया। सिंक्रोनस मैश गियरबॉक्स की मैं फ़ोटो आपको लगा दूंगा, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, उसमें बस ये है कि एक रिंग लगा दी गई है। और रिंग का क्या हुआ काम है कि वो इस गियर की स्पीड और रिंग की स्पीड को मैच कर रहता है, और उसके बाद उसमें क्या रहता है, ये इस तरह से टीथ रहते हैं, वो टीथ आके सीधे सीधे इसमें फंस जाते हैं, इसमें फंस गए, और उसके बाद क्या होगा, इसके ऊपर फंस गए, जब ये टीथ फंस गए तो उसके बाद ये कॉलर जाके सीधा उसमें अटैच कर दी जाती है। जब अटैच कर दी जाती है तो क्या होता है कि स्पीड में भी वो आसानी से अटैच हो जाती है, स्पीड को उसकी जो सिंक्रोनाइज कर देती है स्पीड को, और ये फिर मैसिंग जो होता है कॉलर का मैस कराना, ये बहुत इजीली हो जाता है सिंक्रोनस मैस गियरबॉक्स में। तो आई होप आपको ये ट्रांसमिशन सिस्टम की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑटो पार्ट्स इन्फो।